नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कान के दर्द की। कान में जिसके तकलीफ होती है वह बड़ा परेशान रहता है, जान निकल जाती है। हम आपको बताएंगे 10 ऐसी कारगर दवाएं, 10 ऐसे सिम्टम के हिसाब से कि आपको कान के दर्द में आराम मिल सके। बहुत कारगर दवाएं साथियों, लेकिन दवा बताने से पहले हम निवेदन करेंगे, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि कान से ब्रेन का सीधा इन्फेक्शन होता है। स्टेचिंग ट्यूब के माध्यम से थ्रोट से इन्फेक्शन होता है लेकिन अगर कभी कान में इन्फेक्शन होता है तो आपको मेनिंजाइटिस की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए ईयर और ब्रेन का कनेक्शन होता है, ब्रेन का बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपके ईयर में तकलीफ है। तो कोई भी दवा लीजिएगा, कुशल चिकित्सक को अपने हाल बता के ही दवा लीजिएगा, लेकिन हम आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं की रोशनी आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि अगर आपके कान में दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं। पेश है साथियों आपके सामने सफ़र, जिसमें खूबसूरत 10 दवाएं आपके सामने आएंगी। यूँ तो दवाएं खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो आपके कष्ट को कम करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए जो चीज़ काम की है वो खूबसूरत है। चलते हैं सफर पे साथियों, बताते हैं आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे कॉमन समस्या आती है कि आपके सर्दी और आपके कान में दर्द हो रहा हो। तो अगर आपको कोल्ड है, सर्दी और उससे कान में दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की और कान के दर्द को और नज़ले को, कोल्ड को भी ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एकोनाइट ने प्लस। आप एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं या 4 बार भी ले सकते हैं। यह आपके कान के दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपके कोल्ड और खांसी को भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान से बहुत गाढ़ा मवाद ऐसा पानी बह रहा हो और आपको कान में दर्द हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइगर। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके इस डिस्चार्ज को भी रोकेगी और आपके कान के दर्द को भी रोकने में सहायक होगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके कान में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब आपने कान में उंगली या ईयरबड डाली, थोड़ा सा वो पैसेज चौड़ा हुआ, तो कान का दर्द कम हो गया। फिर 5 मिनट बाद वही स्थिति आ गई। तो अगर ये सिम्टम आप में है साथियों, तो इस सिम्टम को में ठीक करने की आपको दवा है एथुजा साइनिकियम। एथुजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपके कान में फिंगर बोरिंग करने से या ईयरबड डालने से वह पैसेज थोड़ा चौड़ा हो जाता हो, दर्द खत्म हो जाता हो, 5 मिनट बाद फिर दर्द शुरू हो जाता हो, तो एथुजा साइनिकियम उस केस में आपकी मदद करेगी, आपके ईयर पेन को, ईयर एक को खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आपके कान के दर्द में आ सकती है कि दर्द अचानक बहुत तेज आया हो, इतना तेज आया हो कि असहनीय हो। तो अगर वो स्थिति है, तो उस स्थिति को उस समय रोकने की दर्द बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान के दर्द को तुरंत रोकने में बहुत सक्षम है। एक स्थिति साथियों कान के दर्द की स्थिति में एक सिम्टम आ सकता है कि जब आपके कान में बहुत दर्द होता हो, कान बहता हो, हर समय उसमें से बदबूदार मवाद और पानी निकलता हो। अगर यह स्थिति आपके सामने है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम आर्सेनिकम। ऑरम आर्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके बहते कान को भी रोकेगी और आपके कान के दर्द को भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान में इतना मवाद हो, बिल्कुल हड्डियां गल गई और हड्डियों के टुकड़े तक बाहर आ रहे हों, इतना ज़्यादा नेक्रोसिस आपके ईयर में हो गई हो, टिश्यू डैमेज हो गया हो। अगर यह स्थिति आप में हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइलिसिया। आप साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी उस नेक्रोसिस को ख़त्म करेगी, मवाद को ख़त्म करेगी, और जब ये ख़त्म होगा तो आपको कान के दर्द में भी आराम होगा। मैं यहाँ एक बात और बता दूँ साथियों, साइलिसिया जो है सर्जन्स नाइफ इन होम्योपैथ हैंड कहा गया है। यानी आपको औजार भी ना लगाना हो चाकू, और सर्जरी भी करनी हो, तो साइलिसिया दवा है जो चीज़ों को, गंदगी को अंदर से बाहर ला के ख़त्म कर देती है। तो आप इस स्थिति में जब कान बहुत ज़्यादा बह रहा हो और बहुत गाढ़ा मवाद निकल रहा हो, नेक्रोसिस सड़न हो गई हो, तो साइलिसिया आप ले सकते हैं, आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आप बहुत शोर मचाते हैं, आवाज़ बहुत तेज किसी को देते हैं, तो आपके कान में दर्द होता है। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ऑस्मियम।
आप ऑस्मियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके ईयर पेन को भी ख़त्म करेगी और आपके जो जोर से आवाज़ देने पर दर्द होता है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, आपके कान में बहुत ज़्यादा मवाद भर गया हो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस भर गया हो, आपको सुनाई देना तक बंद हो गया हो, कान भरा भरा सा भारी भारी सा लग रहा हो, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हिपरसल्फ्यूरिकम। आप हिपरसल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह आपका जो कान पूरी तरह ब्लॉक हो गया उसको भी ख़त्म करेगी और आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स जमा हो गया और आपके कान में पेन हो रहा, खासतौर से बाएं कान में। तो अगर ईयर वैक्स के जमा होने से आपके कान में पेन हो रहा है, ईयर में पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्पाइजीलिया। आप स्पाइजीलिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके कान के दर्द को ख़त्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान में दर्द हो रहा है और वो दांतों तक जा रहा है। अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मैंगेनम। आप मैंगेनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपका जो कान से दांत तक दर्द एक्सटेंड हो रहा है उसमें आराम देके आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब आपकी नाक या कान थोड़ा बंद हो और आप नाक खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आपके कान में बहुत दर्द हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति है, आपके कान के दर्द का यह सिम्टम है, तो उस ईयर पेन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में एक्टिया स्पाइकाटा। आप एक्टिया स्पाइकाटा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और आपके इस कान के दर्द को ख़त्म करेगी। एक स्थिति साथियों कान के दर्द की आती है कि जब आप कुछ खा रहे हो, खाना खा रहे हो, मील ले रहे हो, फूड इनटेक कर रहे हो, उस समय आपके कान में दर्द हो और खटखट की आवाज़ कान में आ रही हो, तो अगर यह स्थिति आप में है तो साथियों इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली म्यूरेटिकम। आप काली म्यूर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके इस क्रैकिंग को भी ख़त्म करेगी और आपको भी ठीक करेगी। यदि साथियों बच्चों के कान में दर्द हो रहा हो और रात में तकलीफें बहुत बढ़ जाती हों, तो उस समय बच्चों के कान को दर्द को आराम देने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में कैमोमिला। आप कैमोमिला 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान के दर्द को भी ख़त्म करेगी बच्चों के, और अंदर जो उनका चिड़चिड़ापन और उलझन है उसको भी ख़त्म कर देगी। एक स्थिति साथियों आती है कान के दर्द की कि जब आपके हिचकियाँ बहुत आ रही हों और आपसे आपके कान में दर्द हो रहा हो। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है, तो अगर ऐसी स्थिति किसी में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है टैरेंटुला स्पिडिनिया। टैरेंटुला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके कान के दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपको रिलीफ देगी। एक स्थिति आती है साथियों महिलाओं में कि उनका जब मेनोपॉज होता है तो उस समय बहुत कान में दर्द होता है। अगर यह स्थिति है कि मेनोपॉज की स्थिति हो महिलाओं के सामने और उसमें उनको कान में दर्द हो रहा हो, कान भरा भरा भारी लग रहा हो, उससे गर्म लग रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जलसीमियम। जलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार मेनोपॉज की कंडीशन में महिलाएं ले सकती हैं जब उस कंडीशन में उनके कान में दर्द हो रहा हो। यह दवा उनको रिलीफ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी ईयर पेन के संबंध में, उसको ठीक करने के संबंध में बहुत कारगर दवाएं साथियों, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के सिम्टम के हिसाब से होम्योपैथी की दवाएं भिन्न होती हैं। आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के उसकी सलाह से ही कोई दवा लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता है। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नोटिफिकेशन पैनल में दिया या यूट्यूब पे आप क्वेरी को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाएं। अगर आपको साथियों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।